गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो नाइन्थ चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT, जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो हमने उपसहसंयोजक यौगिकों से रिलेटेड सिद्धांत पढ़ा था, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके बारे में आपको पहले से ही नॉलेज थी। संकरण के बारे में, उपसहसंयोजक बंध के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ चुके थे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से, कंपटीशन में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा आते हैं, बोर्ड में इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें पूछता है तो, पर आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये सिद्धांत बैथे और वार्न ब्लैक ने दिया था 1929 में। बैथे व वार्न ब्लैक, वार्न बेल्क ने दिया था, बेल्क ने दिया था। यह सिद्धांत, और इस सिद्धांत में क्या माना गया, देखो संयोजकता बंध सिद्धांत में तो बेटा थ्योरेटिकल चीजें आपको PDF फाइल में मिल गई हैं, थ्योरी आप उसमें से उतार लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझना, तो मैं ज्यादा थ्योरी लिखूंगा नहीं लेकिन समझाऊंगा ज्यादा, तो मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। संयोजकता बंध सिद्धांत में अपन ने क्या माना था कि दोनों के बीच उपसहसंयोजक बंध बनते हैं, किस किस के बीच, मेटल व लिगेंड के बीच। मेटल व लिगेंड के बीच क्या माना, उपसहसंयोजक बंध। इसके लिए अपन ने संकरण कराया था रिक्त कक्षकों में, DSP कक्षकों में। तो VBT तो ये मानती है अकॉर्डिंग टू VBT, लेकिन CFT क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू CFT मेटल जो आयन होता है ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन, जो आपका केंद्रीय धातु आयन है उसको तो माना जाता है धनायन, उसको तो क्या मानते हैं अपन, धनायन, कि उसके ऊपर धनावेश है। और जो आपके लिगेंड होते हैं, लिगेंड को माना जाता है ऋणायन, और धनायन ऋणायन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो कौन सा बंध बनेगा, आयनिक बंध। तो आपका जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का सबसे पहला पॉइंट यही है। क्या है सबसे पहला पॉइंट, कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य आयनिक बंध की कल्पना की गई है। क्या की गई है, आयनिक बंध की, कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य जो बंध बनता है उसकी प्रकृति क्या होती है, आयनिक प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, आयनिक प्रकृति। तो ये ही इस सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि CFT के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु तो धनायन और जो आपके लिगेंड होते हैं वो ऋणायन की तरह बिहेव करते हैं, और इस कारण से इनके बीच जो बंध बनेगा वो आयनिक प्रकृति का होगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और लिगेंड के बारे में आप जानते हो, लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास या तो लोन पेयर हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेशित है, या अगर उदासीन लिगेंड है, उदासीन जो लिगेंड होते हैं वो द्विध्रुव अणु की तरह कार्य करते हैं, जैसे CO है तो CO में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होगी, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला मेटल आयन पर अटैक करेगा। तो कुल मिला के बात यह कि लिगेंड को अपन ऋणायन मानेंगे और केंद्रीय धातु परमाणु को क्या मानेंगे, धनायन मानेंगे।
पहला पॉइंट शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सीएफटी आयनिक बंध मानती है मेटल और लिगेंड के बीच। अपने माइंड में बैठा लीजिए, मेटल और लिगेंड के बीच आयनिक बंध बनता है सीएफटी के अनुसार। वीबीटी कहती है कि उपसहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट आता है, समझने में ज्यादा ध्यान लगाएं, थ्योरी तो आप उसमें से उतार ही लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु कैटायन, केंद्रीय धातु धनायन सीएमसी, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु धनायन के डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। थोड़ा सा मैं आपको 11वीं क्लास की चीज याद दिलाता हूं। डी कक्षक आपने पढ़े थे, डी उपकोष में 5 होते हैं, ये देख चुके हो, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, यही होते हैं। एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर, ये 5 डी कक्षक होते हैं। डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इन सब की ऊर्जा समान होती है, इसलिए इन 5 को हम क्या बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल, या इंग्लिश में अपन बोल देते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है भाई, क्लियर। जो डी कक्षक रहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक, उनकी ऊर्जा समान होती है और इसलिए इन कक्षकों को अपन बोलते हैं समभ्रंश कक्षक या डी कक्षक। अब होता क्या है, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से आते हैं जुड़ने के लिए, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से आते हैं जुड़ने के लिए, तो उस समय इन डी कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। इन डी कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। कुछ डी कक्षक तो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। और इसी को, अब ऊर्जा में अंतर आ गया तो ये बट जाएंगे, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी कक्षकों का विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन। तो ये सिद्धांत डी कक्षकों के विपाटन को समझाता है। विपाटन का मतलब अलग हो जाना, ठीक है ना, पहले समान ऊर्जा के थे फिर अलग अलग ऊर्जा के हो जाते हैं। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो ये 3 कक्षक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इन तीनों को तो बोला जाता है, मैं लिख देता हूं अलग से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों को बोला जाता है टी टू जी कक्षक। तीनों को, इन तीनों को अपन ने क्या नाम दे दिया, टी टू जी कक्षक। टी टू जी होता है ट्रिपली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल, ट्रिपली, टी टू जी का मतलब क्या है, ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल, ट्रिपली का मतलब समझ गए, हो गई है 3 है तो इसलिए ट्रिपली कर दिया तुमने। तो ये टी तो बताता है ट्रिपली को, ये 2 किसको बताता है, तो आपको 11वीं क्लास में बताया था एस के लिए 0 होता है मान, पी के लिए 1 और डी के लिए 2। तो ये डी कक्षक है तो उसके इस चीज को लिखा है यहां पर 2 से समझ जाओ कि ये क्या है, डी कक्षक है। और जी का मतलब होता है जरेड, यहां पर
टीथ और ट्रिपली, डी टू आता है डी कक्षक के लिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बुकों में नहीं मिलेगी, बुक्स में नहीं मिलेगी, तो आप थोड़ा नोट कर लेना इसको। शायद ये हो सकता है आपके उसमें भी नोट्स में भी ना मिल पाए आपको। और जी का मतलब है जरेड, जी ई आर ई डी, जरेड। जरेड का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सममित केंद्र, सममित केंद्र। जरेड लैटिन भाषा से लिया गया है ये वर्ड। तो ये तीन, तो यहां तक के ये तीन तो क्या है, टी टू जी है, टी टू जी। और ये जो दो होते हैं बचे हुए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वह डी जेड स्क्वायर, इन दोनों को बोलते हैं अपन ईजी कक्षक, ईजी कक्षक। इनको क्या बोला जाता है, ईजी कक्षक। ईजी का मतलब डबली, डबली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल। डबली से मतलब दो है ना, ये एक और दो, तो इसके लिए क्या बोलते हैं अपन, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, लेवल ऑर्बिटल। इसमें से क्वेश्चन कुछ भी नहीं आना, पर आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। बाय चांस कोई पूछ ले कि बताओ टी टू जी की फुल फॉर्म ही बता दे रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिपली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल्स, या ईजी का मतलब डबली डीजनरेट लेवल ऑर्बिटल्स। तो ये किस किस के लिए, ये भी मैंने बता दिया आपको। मेन चीज ये तीन तो टी टू जी बनते हैं और ये ई जी बनते हैं, ये अपन ने सिंबल बना दिया, ठीक है ना। इनकी ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। अब ये मत समझना ई जी का मतलब हाई लेवल वाला या टी टू जी का मतलब उसकी ऊर्जा उच्च होगी। ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये आपके संकुल की ज्यामिति, संकुल की ज्यामिति पर और लिगेंडों की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसमें से जो चीज नोट करने की हो अपने नोट्स में ऐड कर लेना आप। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे की चीज, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लिगेंडों की उपस्थिति के कारण, लिगेंडों की उपस्थिति के कारण सीएमए, सीएमए केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक, डी कक्षक लिगेंडों से, भाई देखो डी कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड भी क्या होते हैं, ऋणावेशित।
तो इनके बीच, इनके इलेक्ट्रॉन अवरोह के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो डी कक्षक लिगेंडों से प्रतिकर्षित होकर दो ऊर्जा स्तरों, पहले सारे डी कक्षकों की, पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान थी तो वो संभ्रंश कक्षक थे, लेकिन दो ऊर्जा स्तर बाद में लिगेंडों की उपस्थिति में ये T2G और EG में बदल जाते हैं। दो ऊर्जा स्तर कौन कौन से बन जाते हैं? T2G व EG स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो आपने, मैंने इनकी आकृति, पांचों जो डी कक्षक है इनकी आकृति या इनकी जो शेप है वो शेप आपको याद है या नहीं है? 11वीं क्लास में मैंने शेप बनवाई थी, यहां पर भी मैं बना रहा हूं, देख लेना आप। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, तो डी एक्स वाई की ज्यामिति क्या होगी? इन अक्षों के मध्य होते हैं ये तो डी एक्स वाई है, मान लो ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। फिर दूसरा होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड, तो इसको इसको वाई तो इसको जेड मान लो, ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस, ऐसे ही डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तो इसको एक्स मान लो इसको जेड मान लो, इन तीनों की ज्यामिति तो ये होती है। प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है, इस सेंटर के इस अक्ष पर देखो दोनों साइड एक जैसे हैं, इस पर देखो ये एक जैसे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसके बाद डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, तो इस पर भी आपको पता है अक्षों पर रहता ही, ये तो ये प्लस प्लस मानोगे तो इनको माइनस माइनस मानो, तो ये आपका क्या हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट बचता है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर को यहां बना सकता हूं, इधर ही बना देता हूं, देखो बच्चों जेड एक्स मान लो अपनी एक, ये एक्स और ये जेड, तो सारा इलेक्ट्रॉन अब जेड अक्ष पर रहता है इस तरह से, और ये बीच में ये रिंग रहती है खाली, या इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसी के अंदर ऐसे दिखा दो डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ही किसको दिखा रहे हैं अपने डी जेड स्क्वायर को, तो पांचों उसकी हो गई ज्यामिति। ये तीन जो रहते हैं इन तीनों को बोलते हैं T2G कक्षक, ये एक साथ जाएंगे, इनकी ऊर्जा समान है, ट्रिपली डिजनरेट है, इन तीनों की सममिति समान है, ऊर्जा समान है, तो ये तीनों एक साथ रहेंगे, इसलिए इनको तो नाम देते हैं ट्रिपली डिजनरेट T2G कक्षक। और जो आपके ये दोनों हैं, इन दोनों को नाम दिया गया है EG कक्षक, डबली डिजनरेट, क्योंकि ये दोनों साथ रहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। याद आया कि नहीं माइंड में, 11वीं क्लास की चीज दिमाग में आ गई होगी, तो ये ज्यामिति है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, ये ज्यामिति बहुत इंपॉर्टेंट करेगी। देखो यहां पर एक चीज अभी बता देता हूं कि इन तीनों में तो जो इलेक्ट्रॉन अभ्र है वो अक्षों के मध्य है, एक्स वाई जेड अक्षों के मध्य है, इस चीज को नोट कर लेना, पॉइंट है कि T2G जो कक्षक होते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनमें तो इलेक्ट्रॉन अभ्र अक्षों के मध्य स्थित है,
जबकि इन दोनों में जो आपके डबली डिजनरेट है इनमें अक्षों पर स्थित है। लिख ही देता हूं, तुम लोग नहीं लिखोगे। T2G में इलेक्ट्रॉन अभ्र अक्षों के मध्य स्थित होता है, और EG में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अभ्र अक्षों के ऊपर ही मतलब अक्षों पर स्थित होता है। दोनों में अंतर है, इन तीन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अभ्र अक्षों के मध्य है और इनमें अक्षों पर है। बस यही चीज हमें बताएगी कि कौन सा ऊर्जा स्तर, तो कौन से जो कक्षक है वो तो उच्च ऊर्जा के बनेंगे और कौन से निम्न ऊर्जा के बनेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। कर लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ भाई, अब देखो इनका कैसे विपाटन होता है, डी कक्षकों का विपाटन। मिटा दो ये, ध्यान रखना भाई इन पॉइंटों को, एक एक चीज को ध्यान से समझना है। एक दो क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, फालतू लग जाए, कोई टेंशन नहीं, बस इस चीज को इनको समझना है आपको। अब आप क्या करोगे, चौथा पॉइंट है डी कक्षकों का विपाटन। विपाटन, डी कक्षकों का विपाटन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, लिगेंडो की उपस्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु के संभ्रंश कक्षकों दो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। उसी घटना को, ये जो घटना है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डी कक्षकों का विपाटन। लिगेंडो की उपस्थिति के कारण केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक लिगेंडो से प्रतिकर्षित होकर दो ऊर्जा स्तर T2G और EG में विभाजित हो जाते हैं। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, हाँ भाई क्या कहते हैं, लिगेंडों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब देखो ये कैसे होता है, डी कक्षकों का जो विपाटन है वो किस प्रकार से होगा, उस चीज को देख लो आप। मान लिए यहां तो अपन एनर्जी लेवल ले, बेटा मेरे को थोड़ा सा या तो मिटाना पड़ेगा, ये बन जाएगा। चलो देखो पहले क्या होता है, ये आपके संभ्रंश डी कक्षक है, ये क्या है, आपके संभ्रंश डी कक्षक है, मुक्त धातु आयन के संभ्रंश डी कक्षक, ठीक है। जैसे ही ये क्रिस्टल क्षेत्र में आता है, मतलब इनके पास लिगेंड आते हैं, एक दो तीन चार पांच, इनके नाम आपको दोबारा लिखूं क्या मैं, या आप बना लोगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स,
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। जैसे ही आपके पास ये आते हैं क्रिस्टल क्षेत्र में आते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र में तो ये दो ऊर्जा स्तरों में विभाजित होंगे क्रिस्टल क्षेत्र में। कैसे? ये तीन तो बन जाएंगे टी टू जी और ये दो बन जाएंगे ई जी। अब देखो इनकी ऊर्जाओं में अंतर आ जाएगा, इनकी ऊर्जाओं में क्या आ जाएगा? अंतर। अब कौन सा तो उच्च ऊर्जा स्तर का बनेगा और कौन सा निम्न ऊर्जा स्तर का बनेगा, ये बेटा किस चीज पर निर्भर करता है? मैं ये नहीं कह सकता कि ईजी वाला हमेशा ही उच्च ऊर्जा स्तर का होगा या टी टू जी हमेशा ही निम्न ऊर्जा स्तर का होगा, नहीं। ये निर्भर करता है इनकी ज्यामिति या कोऑर्डिनेशन नंबर पर। जो आपका क्रिस्टल बना है ना उपसह-संयोजक यौगिक का, उपसह-संयोजक यौगिक की ज्यामिति या उपसह-संयोजन संख्या पर निर्भर करता है ये कि कौन सा तो ऊपर जाएगा कौन सा नीचे। जैसे अष्टफलकीय के लिए ईजी कक्षक तो ऊपर जाते हैं और टी टू जी कक्षक नीचे आते हैं। टी टू जी, ये ईजी, ये टी टू जी, और इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर रहता है उसको विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ये विपाटन ऊर्जा है, इसको डेल्टा जीरो से प्रदर्शित कर देते हैं, डेल्टा से। इनके जो ऊर्जा अंतर है ना इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। अभी ये जनरल सिद्धांत बताया है मैंने कि ईजी और टी टू जी कैसे बनते हैं, किसके कारण हुआ? यहां पर क्रिस्टल क्षेत्र में लिगेंडों की उपस्थिति के कारण, डी कक्षकों का विपाटन। देखो पहले समान ऊर्जा स्तर के थे, जैसे ही लिगेंड आए तो अलग अलग ऊर्जा स्तर के हो गए टी टू जी और ई जी। तो ई जी की ऊर्जा ज्यादा हो गई टी टू जी की कम, या ऐसा हो सकता है टी टू जी की ज्यादा हो जाए ई जी की कम। अब आपके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कब तो टी टी जी की ऊर्जा ज्यादा है कब ई जी की ऊर्जा ज्यादा है? ये निर्भर करता है बेटा आपके संकुल यौगिक की ज्यामिति या उपसहसंयोजन संख्या पर। और हम जो अध्ययन कर रहे हैं हमारे 12वीं क्लास में, ये केवल दो प्रकार, दो उपसहसंयोजन संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। एक तो उपसहसंयोजन संख्या 4 और एक उपसहसंयोजन संख्या 6। इनके ही अपन ने समावयवी देखे थे, सीएफटी में भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सॉरी वीबीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ही संकुल यौगिक बताए थे। और अब भी इसमें भी अपन को उसी का अध्ययन करना है। जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो तो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो अष्टफलकीय संकुल होते हैं। तो अष्टफलकीय संकुलों में तो किस प्रकार से विपाटन होगा और चतुष्फलकीय संकुलों में किस प्रकार से विपाटन होगा, ये अपन को अब आगे देखना है। तो कल की क्लास में, आज मैंने पूरा आपको इसकी थ्योरेटिकल चीज बता दी है, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अष्टफलकीय जो संकुल होते हैं, अष्टफलकीय ज्यामिति के संकुलों में लिगेंड फील्ड प्रभाव को पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति के संकुलों में लिगेंड फील्ड प्रभाव, कि लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों का विपाटन कैसे हो जाता है, और फिर प्रबल लिगेंड है तो क्या होगा, दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि जो आपके डी कक्षकों का विपाटन हुआ है इनमें इलेक्ट्रॉन भी तो भरे हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पर कैसे भरे जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा,
भाई तीन इलेक्ट्रॉन इधर भरेंगे फिर इधर आएंगे या यहीं पे पेयरिंग होगी। तो ये चीज अपन कल सीखेंगे। आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखना, बार बार देखना, हर पॉइंट को समझना। आज मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया है क्योंकि समझाने का ज्यादा था, ठीक है बेटा। कल अपन अष्टफलकीय संकुलों में, सॉरी अष्टफलकीय ज्यामिति के संकुलों में लिगेंड के प्रभाव को देखेंगे, लिगेंड फील्ड प्रभाव। तब तक के लिए बाय।